सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, यहां पर आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं और रियलमी नार्जो 20 प्रो स्मार्टफोन के यहां पर फीचर्स वगैरह के बारे में जो कि आज यहां पर कंफर्म हो गए हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इस स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक आपको देने वाला हूँ कि जो स्मार्टफोन है वो देखने में कैसा लगता है। और यहाँ पर दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो कंफर्म प्राइसिंग है वो भी निकल करके आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में सभी कुछ आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करने जा रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। इसके साथ दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल में पहली बार विजिट किए हैं, तो जोर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो जो वीडियो सबसे पहले यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करूं आपसे सबसे पहले Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन की डिजाइनिंग के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की जो लाइव इमेज है वो भी आज यहां पर Realme इंडिया की तरफ से पोस्ट कर दी गई है। और यहां पर इस स्मार्टफोन की जो लाइव इमेज है वो कल यहां पर लीक होकर के आ भी चुकी थी। दोस्तों, आप यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस स्मार्टफोन में फ्रंट के साइड में आपको पंच होल डिस्प्ले डिजाइन देखने के लिए मिल जाता है और यहां पर आपको पीछे की साइड जो डिजाइनिंग के लिए मिलती है। यहां पर अगर बात करें कैमरे के मॉडल की, तो यहां पर कैमरे का जो मॉडल है वो Realme 7 स्मार्टफोन जैसा ही आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन थोड़ी बहुत माइनर डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन में। और दोस्तों, यहां पर इस स्मार्टफोन में आपको नीचे की साइड Narzo का जो लोगो होगा वो देखने के लिए मिल रहा होगा। दोस्तों, Realme के अक्सर स्मार्टफोन में Realme ही लिखा रहता है, लेकिन यहां पर Narzo by Realme करके लिखा हुआ आ रहा है। तो ये चेंज यहां पर हुआ है Realme Narzo सीरीज में। उसके बाद दोस्तों, यहां पर पीछे की साइड जो बैक है वो प्लास्टिक का ही दिया गया है, लेकिन आपको ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिशिंग के साथ में जो बैक है वो यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। हल्की ग्लॉसी टाइप की फिनिशिंग आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। तो दोस्तों, ये तो पूरी चीजें हुई यहां पर इस स्मार्टफोन के इमेज वगैरह के बारे में, लाइव पिक्चर के बारे में। दोस्तों, अगर बात करूं आपसे यहां पर इस स्मार्टफोन के कुछ कंफर्म फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहली चीज, इस स्मार्टफोन में आपको 65 वाट का डार्ट चार्जर देखने के लिए मिलने वाला है और ये स्मार्टफोन सबसे सस्ता स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको 65 वाट का डार्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा। दरअसल दोस्तों, यहां पर हुआ क्या है, इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग कैसे निकली है, मैं आपको यहां पर इन्फॉर्म कर देता हूं। दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो फ्लिपकार्ट की तरफ से यहां पर एक्सीडेंटली लीक कर दी गई है। पता नहीं वो लोग क्या कर रहे थे क्या नहीं, लेकिन दोस्तों यहां पर Realme Narzo 20 सीरीज को सर्च करने पर गूगल पे ऊपर के साइड फ्लिपकार्ट का एड लगा हुआ यहां पर देखने के लिए मिल रहा था और वहां पर लिखा हुआ आ रहा है, आप देख भी सकते होंगे, न्यू Narzo 20 प्रो फ्रॉम 16,999, इंडियाज फास्टेस्ट 65 वाट चार्जर। और दोस्तों, ये जो पेज है वो फ्लिपकार्ट का है। आप नीचे फ्लिपकार्ट की साइट का पूरा ये जो URL है वो यहां पर देख सकते हैं। तो ये प्राइसिंग यहां पर निकली है फ्लिपकार्ट की तरफ से। हो सकता है ये लोग प्राइस वगैरह को यहां पर पेज पूरा तैयार कर रहे हों और एक्सीडेंटली वो चीज पब्लिक हो गई या फिर कैसे भी करके वो लाइव हो गई। तो यहां पर ये सारी चीजें निकल करके आई हैं। अब आपको 65 वाट का डार्ट चार्जर देखने के लिए मिलने वाला है। नीचे यहां पर दिखाया गया है आपको MediaTek का Helio G95 प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है और यहां पर आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में जो डिस्प्ले है वो देखने के लिए मिल जाएगी, एक फुल HD प्लस डिस्प्ले। और यहां पर आपको 65 वाट का डार्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 16,999 रुपए में। तो एटलीस्ट 17,000 रुपए में ये फोन आ रहा है 65 वाट के डार्ट चार्जर को ही सिर्फ और सिर्फ अगर हम यहां पर देखें, तब तो उसको देखते हुए जो स्मार्टफोन एक ठीक ठाक स्मार्टफोन यहां पर निकल करके आ जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी डिटेल्स निकल करके आई हैं अभी अभी Realme Narzo 20 Pro स्मार्टफोन के बारे में। अब Narzo 20A एंड Realme Narzo 20 स्मार्टफोन बचे हैं कि ये स्मार्टफोन देखने में कैसे लगते हैं, इन स्मार्टफोन की क्या कुछ प्राइसिंग होती है, फीचर्स तो मैंने ऑलरेडी आपको यहां पर इन्फॉर्म कर ही दिया है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे ही इनके बारे में कुछ भी और डिटेल आती है जरूर से आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करूंगा। अब दोस्तों, आप मुझे अपना ओपिनियन यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि आप अगर ये स्मार्टफोन 16,999 रुपए में आता है तो क्या आप इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहेंगे 65 वाट के डार्ट चार्जर को देखते हुए। जरूर से अपना ओपिनियन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा। फाइन दोस्तों, यही था उस वीडियो में, आशा करता हूँ छोटी जानकारी समय आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब प्रेस कर लीजिएगा।